हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा लूप के बारे में और भी देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, मॉडिफाई ले लेते हैं। अब लूप क्या होता है? देखिए, लूप का मतलब होता है रेपिटेशन करना। अगर आप किसी स्टेटमेंट को एक बार लिख करके और बार बार रिपीट कराना चाहते हैं तो आप बार बार ना लिख करके लूप का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटा टाइप ले लेता हूँ और ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ। इसमें वन इनिशियलाइज कर देता हूँ। शुरुआत में इसमें वन ही इनिशियलाइज है। यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटर, तो प्रिंटर लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या, एक कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक राम दे दिया। इसको बंद किया और यहाँ से टर्मिनेट किया। तो अगर आप इसको सेव करेंगे और इसको रन करवाएंगे, चलिए यहीं पे हम सेव कर लेते हैं इसको। तो ये हमने किसी नाम से इसको सेव कर दिया। डॉट सी लगाना जरूरी, फाइल की एक्सटेंशन सी लैंग्वेज की जो है वो डॉट सी ही होती है। और इसको कंपाइल करवाया तो ये प्रोग्राम हमारा तो कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। और अब इसको यहाँ से रन करवा लेते हैं। तो ये रन जैसे ही करवाएंगे तो देखिए, राम एक ही बार प्रिंट हो गया रहा है। तो क्या हम इसको बार बार लिखेंगे? तो अब फिर मान लीजिए राम लिखना है तो यहाँ पे आप प्रिंटफ लिखेंगे क्या इस तरीके से, और फिर यहाँ पे लिखेंगे राम। तो ये तो काफी झंझट वाला काम हो जाएगा। और ये बार बार कितनी बार आप लिखेंगे? तो फिर यहाँ से जाता हूँ और फिर यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ इसको, फिर यहाँ से रन करवाता हूँ। तब देखेंगे कि दो बार राम प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितनी बार लिखेंगे? बहुत बार लिखने से मजा नहीं आएगा, प्रोग्राम जो आपका काफी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आप यूज कर लीजिए लूप। आप रिकर्जन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकर्जन हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग लूप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने फॉर, आप चाहे तो व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ए लिया है हमने वेरिएबल, तो ए ने इनिशियलाइज किया वन। अब यहाँ पर लगा देता हूँ कंडीशन ए इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ, फिर इसे टर्मिनेट करता हूँ, फिर यहाँ ए प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट हो चुका, ठीक है। और यहाँ पर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, तो कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी भी बना ली है मैंने। अब यहाँ पर आकर के एक ब्रैकेट और केवल आपको करना है क्लोज, काम हो गया आपका। यहाँ से लूप पे जाइए, कंपाइल करवाइए। तो जैसे ही आप कंपाइल करवाएंगे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। फिर जब रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये राम जो है 10 टाइम प्रिंट हो रहा है। गिनिए, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टाइम ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अलग अलग नहीं आ रहा है, सेपरेट सेपरेट नहीं आ रहा है, या तो अलग अलग लाइन में कर दिया जाए इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, ये जो राम लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दीजिए, बस हो गया काम आपका। अब इसको एक बार फिर से कंपाइल और रन करवा देता हूँ। जैसे करेंगे तो ये देखिए सेपरेट सेपरेट लाइन में ये आने लगा। तो यही लूप है, रेपिटेशन के लिए यूज होता है। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।